This video is made for medical student as a part of their syllabus we do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner the information provided here is adopted from the product we used our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification note self medication is always hazardous do not

क्लियर करने का काम करता है इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम पड़ा नेज़ो क्लियर ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली तो आपको इंडिकेट किया जाता है छोटे बच्चों में इन्फेंट में जब उनकी नाक चोक हो जाती है तो उसको डाइल्यूट करके ठीक करने के लिए लेकिन इसको अगर बड़े भी यूज करते हैं तो कोई इशू नहीं है इसमें कोई खास मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है इसलिए इसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेंगे इसलिए आप विदाउट एनी टेंशन इसको यूज़ कर सकते हैं इसका जो मेन कंस्टिटुएंट है इस नेज़ो क्लियर ड्रॉप का या नेजो क्लियर स्प्रे का यह है सलाइन और सलाइन का मतलब होता है इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इसका जो सॉल्यूशन है वो बोफर्ड सॉल्यूशन होता है तो इसका यूज हम बच्चों में उस नाक के जाम हुए कंडीशन से ठीक होकर के निकालने में कर सकते हैं इसका इंडिकेशन भी साथ साथ लिखा हुआ है इसी को आप देख सकते हैं प्रोवाइड सूदिंग रिलीफ फॉर ब्लॉक नेजल पैजेज ड्यू टू कोल्ड एंड एलर्जी जो छोटे बच्चे होते हैं जनरली एक महीने से लेकर के आपके छः सात महीने तक उनके में हर एक चीज़ उनके लिए नई होती है नहीं मतलब होता है कि उनको हमारे इस नए एटमोस्फेरिक कंडीशन से एडजस्ट होने में टाइम लगता है तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उनके में एलर्जिक रिस्पॉन्स भी कॉज कर सकती हैं और जनरली उनकी स्किन और उनकी इम्यूनिटी बहुत सेंसिटिव होती है तो कोल्ड के साथ उनका इंटरेक्शन अक्सर होता रहता है यानी कि उनको सर्दी बहुत होती रहती है आम सी बात होती है क्योंकि एडजस्ट करने में उनको टाइम लगेगा इम्यूनिटी डेवलप पूरी तरह से नहीं हुई है इट इज नाउ ऑन डेवलपिंग स्टेट तो ऐसे केस में कोल्ड का होना स्वाभाविक है और कोल्ड के केस में आपके बच्चे के नाक में चोक होना भी स्वाभाविक है तो ऐसे केस में वो तो आपको इंडिकेट नहीं कर पाएगा कि उसके में प्रॉब्लम बट हाँ उसकी सांस लेने की आवाजें और उसको रेगुलर इंस्पेक्शन से आप देख सकते हैं कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है so, ऐसे ब्लॉकेज के केस में हम इसको स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे करने के बाद रिलीफ हो जाएगा एडल्ट के लिए जो भी नेजल डी कंजेस्टेंट आते हैं उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं नेजल डी कंजेस्टेंट के ऊपर कैसे काम करता है सो so ये केवल और केवल सलाइन सॉल्यूशन है इसका जो डायरेक्शन है यूज करने का वह एक ड्रॉप के फॉर्म में बिल्कुल नहीं है आपको देख के लग रहा होगा बॉटल को कि एक ड्रॉप होगा आपको नाक में ड्रॉप डालना है सो दिस इज नॉट जस्ट लाइक दैट इसको आपको अपराइट रखते हुए यानी कि इसको सीधा रखते हुए जो भी कैप है इसका वो उस नोस्टाइल में जाएगा नाक के छेद में जाएंगे और इसको बॉटल को बीच में से पुश करना है जब इसे आप पुश करेंगे यानी कि स्क्विज करेंगे तो एयर के ड्रॉपरेट जैसा साथ में कुछ निकलेगा जिसके साथ सलाइन भी मूव करेगा और वो उसको डायल्यूट करके ब्लॉकेज को ठीक करेगा सो so लिखा हुआ है होल्ड अप राइड एंड स्क्वीज ईच नोस्ट्राइल यानी कि हर एक नाक पे जिस पे ब्लॉक होगा उस पे आप लगा सकते हैं दोनों पे भी लगा देंगे तो कोई खास इशू नहीं है आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा तो उसको स्क्वीज कर लेना है फिर देखिए यहाँ पे एक वार्निंग ही है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली चूंकि ये एक स्प्रे है हालांकि लिक्विड इसके अंदर होगा बट इट डजेंट मीन कि ये एक ड्रॉप है और इसको आप ओरल ड्रॉप के रूप में दे दें ऐसा नहीं करना है साफ लिखा है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली इसकी खास बात क्या है एल्कोहल फ्री सेफ फॉर चिल्ड्रेन सेफ फॉर रिपीटेटेड यूज़ जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए ईजिली सूटेबल है और इसको अगर आप मल्टीपल टाइम भी यूज़ करते हैं तो कोई खास आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं नजर आएगा दैट इज़ वाई इट इज़ सेफर फॉर रिपीटेटेड यूज बार बार आप इसको यूज कर सकते हैं इसमें कोई अल्कोहल नहीं है इसलिए कोई भी आपको अल्कोहल से एलर्जी या अल्कोहल से नुकसान नहीं होगा बैच नंबर मैन्युफैक्चरिंग डेट सब कुछ पीछे दिया हुआ है तो एक बार हम इसको आगे मूव करते हैं ये रहा हमारा बैक साइड और इसमें कंपोजिशन लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड आईपी 0.6 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इन प्योरीफाइड वाटर एंड मेड आइसोटोनिक एंड बफर्ड ये एक सेंटेंस है जिसमें कई सारे मीनिंगफुल वर्ड छिपे हुए हैं सोडियम क्लोराइड का ही सॉल्यूशन है इसी को तो हम बोलते हैं सलाइन सोल्यूशन सो सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जीरो है और यहाँ पे जो वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि जीरो परसेंट बनाने के लिए हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के सोडियम क्लोराइड को विच इज सॉलिड इन नेचर उसको हम प्योरीफाइड वाटर विच इज लिक्विड इन नेचर इसमें डिजॉल्व करते हैं सो वेट बाई वॉल्यूम मींस वेट वाला सब्सटेंस मतलब सॉलिड सब्सटेंस वॉल्यूम वाले सब्सटेंस दैट मींस लिक्विड सब्सटेंस में डिजॉल्व किया गया है और इसको आइसोटोनिक बनाया गया है और बफर्ड किया गया है आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है जब हम अपने बॉडी के किसी भी लिक्विड के पीएच के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसके पीएच का इक्वल टू इस प्रोडक्ट का पीएच अगर हो यानी कि दोनों का पीएच साफ सेम हो साफ साफ अगर तो तो दोनों के पीएच अगर सेम है तो बोलते हैं आइसोटॉनिक आइसो का मतलब होता है सेम और अगर यहां पे हाइपर या हाइपो होता तो उसके रिस्पेक्ट में कम या ज्यादा हो सकता था दूसरा वर्ड है बफर्ड यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बफर्ड का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो अगर आप इसको प्रिजर्व करके रखते हैं तो थोड़े से चेंज इन एसिड या थोड़े से चेंज इन बेस को यह रेजिस्ट करके अपनी उस पीएच को मेंटेन करके रखता है जिस पीएच पे आपने इसे बनाया मतलब यह है कि अगर एटमॉस्पिरिक कंडीशन की वजह से अगर एटमॉस्पिरिक चाहे कि इसको थोड़ा सा एसिडिक कर दू या इसको थोड़ा सा बेसिक कर दू तो ये अपने आप को रेजिस्ट करेगा नहीं भैया मुझे चेंज नहीं होना एसिड में ना मुझे चेंज नहीं होना बेस में मैं जैसा हूँ बिल्कुल वैसा ही रहना है बट ये केवल स्मॉल क्वांटिटी

प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है एक ऐसे एजेंट जो कि आपके मेन एजेंट को थोड़े लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं दैट मीन्स उसको खराब होने नहीं देते उसको डिटोरियोरेट होने नहीं देते डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन से तो ये हो गया हमारा प्रिजर्वेटिव इसका जो कंडीशन है वो देखिए लिखा हुआ स्टोर बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे थोड़ा बहुत नीचे होता होगा इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए इस पूरे जो स्प्रे का क्वांटिटी है वह है ट्वेंटी एम इसको मार्केटेड किया गया है जर्मन रेमेडीज़ के द्वारा और इसको मैन्युफैक्चर्ड किया गया है जाइडस हेल्थ केयर के द्वारा सो so ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके उस बच्चे के लिए जो भी बहुत छोटा है और इसको फ्रीकवेंटली नेजल प्रॉब्लम होती रहती है सो so आज के वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नमस्कार एंड प्लीज़ टू टे केयर ऑफ योर थैंक यू